अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काईटेक में। दोस्तों, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग छुट्टी पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्वीट करते हुए फाइनली ये जानकारी दे दी है कि जो लोग सऊदी अरब से बाहर हैं, फ्लाइट सस्पेंशन की वजह से अभी तक नहीं आ पाए थे, तो उन लोगों की 31 जनवरी 2022 तक के छुट्टी फिर से बढ़ा दी गई है, यानी कि एग्जिट और री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया गया है। ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं इसमें कि अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है जो लोग इंडिया में फंसे पड़े हुए हैं या फिर दुबई में हैं या फिर किसी भी कंट्री में फंसे पड़े हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो उन लोगों का एग्जिट और री एंट्री वीज़ा फिर से 31 जनवरी 2022 तक का एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों, बुरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने फिर से फ्लाइट के ऊपर सस्पेंड लगाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले साउथ अफ्रीका की 7 कंट्रियों के ऊपर सस्पेंड लगाया गया था, उसके बाद फिर से इन 7 कंट्रियों के ऊपर सस्पेंड लगाया गया है, यानी कि अब तक के टोटल 18 कंट्रियों के ऊपर सऊदी अरब बैन लगा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ 3 दिन के अंदर अंदर हुई है। 3 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब 18 कंट्रियों के ऊपर बैन लगा चुका है। तो बस दुआ यही कीजिए कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रोन नाम का, ये इंडिया ना पहुँचे, पाकिस्तान ना पहुँचे, हमारी कंट्रियों में अल्लाह करे ये कोरोना ना पहुँचे। ये वाला ये नया वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये जो फाइज़र वैक्सीन है बायोएनटेक की, इन लोगों ने बताया है कि फाइज़र वैक्सीन को इस नए वेरिएंट के हिसाब से बनाने में 100 दिन तक का टाइम लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने बताया है कि 100 दिन के अंदर अंदर इस नए वेरिएंट के हिसाब से ये लोग वैक्सीन तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये जो हम लोगों को वैक्सीन लगी है, ये वैक्सीन ओमिक्रोन वाले वेरिएंट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर रही है, इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं कर रही है। वैक्सीन होने के बावजूद ये ओमिक्रोन वाला ये जो नया वेरिएंट है, ये कोरोना हो जाता है लोगों को। तो दोस्तों, बुरी खबर ये है कि सऊदी अरब ने फिर से धीरे धीरे करके फ़्लाइट के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है, और अच्छी खबर यह है कि जो लोग फ़्लाइट सस्पेंशन की वजह से इंडिया पाकिस्तान में फंसे पड़े हुए थे, उन लोगों का एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।